अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सारा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ दूध की बर्फ़ी। आज हमारे घर दूध वाले भैया आए थे, उनकी भैंस बच्चा दी है तो उन्होंने हमारे घर में दूध दिया है। तो मैं सोचू कि इसका क्या करूँ, मम्मी से पूछी तो मम्मी बोली कि इसकी बर्फ़ी बना लो, इसलिए मैं बर्फ़ी बनाने जा रही हूँ। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है, चलिए मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। ये मैंने दूध लिया है, ये आधा लीटर से ऊपर दूध है। अब हम इसमें डालते हैं शक्कर, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं कि चीनी अच्छे से घुल जाए इसमें। चीनी घुल गई है अच्छे से, अब इसे हम साइड कर लेते हैं। ये मैंने प्लेट लिया है, प्लेट को मैंने अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है। अब इस दूध को हम इसमें डालेंगे। से मैंने देखिए इसमें डाल दिया है। एक भगोने में मैं पानी डाल दी हूँ, इसको उबलने के लिए छोड़ देते हैं। अब उबल रहा है थोड़ा थोड़ा, अब हम इसके ऊपर प्लेट रख देते हैं, उसे ढक देते हैं। देखिए मैंने भगोने के ऊपर दूध रख दिया है, अभी हम इसे स्टीम होने देंगे, इसे अच्छे से ढक देते हैं। ये मेरे पास थोड़ी बड़ी ढक्कन थी तो मैं इससे इसको अच्छे से कवर कर दी हूँ, अच्छे से ढक दी हूँ। अब इसे हम 20 मिनट छोड़ देते हैं इसी पर फुल फ्लेम करके। देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट के बाद ये पूरी तरह से जम चुकी है। अब हम इसे अच्छे से कट कर लेते हैं, इसे हम कट कर लेते हैं। ये बिल्कुल केक की तरह कट जाता है और इसे निकाल लेते हैं। खैर, इसे संभाल के निकालना पड़ता है, एक दो शुरुआत में टूट जाते हैं, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे निकलने लगते हैं। रुकिए, मैं निकाल के इसे दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसे फोक की मदद से मैं निकाली हूँ। खैर, अकेले निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि मैं कैमरा भी संभाल रही हूँ। ये देखिए ऐसे इसे हम निकाल लेते हैं। रुकिए, मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी दूध की बर्फी बिल्कुल बन करके तैयार है। ये इसे कितने लोग दूध की बर्फी भी बोलते हैं और कितने लोग इसे फेनस भी बोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल कड़ी कड़ी बन करके तैयार है। ये खाने में अच्छी लगती है, बहुत लोग इसे खाते हैं, बहुत लोग को नहीं पसंद होता है क्योंकि ये फर्स्ट दूध का बनता है जो भैंस बच्चा देती है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मुझे बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारा एक लाइक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, गलती हुई तो माफ़ करिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।